Hey there, welcome back to new video. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने ब्लॉग के लिए फ्री पोस्ट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने जाना है गूगल पे जाना है और सर्च करना है न्यूज़ API। सो जो पहली सर्विस है newsapi.org, इस पे आपने क्लिक करना है। ये एक सर्विस है जो मैं प्रोवाइड करती है, फ्री कंटेंट प्रोवाइड करती है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से इससे ब्लॉग पोस्ट ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसका जो PHP SDK है हम वो डाउनलोड करेंगे। आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चले जाना है और PHP में सेलेक्ट करना है। और सबसे पहले आपने कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए कंपोजर के थ्रू आपने इसका जो PHP SDK है वो डाउनलोड कर लेना है। आप गेट फाइल कंटेंट से भी आप इसका कंटेंट ले सकते हैं या करल रिक्वेस्ट से भी, लेकिन जो प्रेफर्ड मेथड है आप कंपोजर इंस्टॉल करें जो इसका SDK है वो हमें बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है, तो हम उसके ज़रिए कंटेंट लें। सो कंपोजर, आप कंपोजर के थ्रू आप इसका SDK इंस्टॉल कर लें। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ये रहा उसका SDK। तो आपने अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और अपने वर्किंग डायरेक्टरी में जाना है और ये कमांड कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है लाइक दिस। और ये कमांड कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है और इंटर प्रेस करना है, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। सो डाउनलोड होने के बाद हम जाते हैं अपने कोड एडिटर में। ये हमारा कोड एडिटर है, मैंने इसमें ऑलरेडी एक पेज क्रिएट किया हुआ है index.php। यहाँ पर हम काम करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो डाउनलोड किया है SDK वो इंक्लूड करेंगे। हमारा SDK डाउनलोड हो गया है, सॉरी इंक्लूड कर लिया हमने। उसके बाद सबसे पहले आपने एक इंस्टेंस बनाना है, इसको टॉप पे आपने फाइल में इंक्लूड कर लेना है। फिर हमने जो न्यूज़ API क्लास है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसमें हमने अपनी API की प्रोवाइड करनी है। आप प्लेटफॉर्म पे साइन अप होके अपनी फ्री API की हासिल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी हासिल कर लिया है तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, अब हमारा सेटअप हो गया है। अब हम कंटेंट कैसे लेंगे? News API गेट एवरीथिंग, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक कमांड आप कॉपी करें, API get everything, ये इसका फंक्शन है। इसमें हम अपना क्वेश्चन, अपने वर्ड इस्तेमाल पास कर सकते हैं कि हमें किसके रिलेटेड कौन सा डेटा चाहिए। हम इसकी जो GitHub लाइब्रेरी है इस पर भी हम देख लेते हैं। इसको आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे get everything, यहाँ पे आप देखें get everything में सबसे पहला जो हम पास कर सकते हैं वो है क्यू, मीन्स के अपने क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है सोर्सेज, डोमेन्स, एक्सक्लूड डोमेन फ्रॉम टू, लैंग्वेज सॉर्ट बाय पेज साइज एंड टू, ये हम पास कर सकते हैं। और उसकी हर एक की डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मेंशन है कि डोमेन्स में आप कौन कैसे डोमेन्स पास कर सकते हैं। सो चलें हम यहाँ से डेटा लेके देखते हैं। सो हम क्वेश्चन की जगह पे हम पास कर देते हैं, हमें डेटा चाहिए एप्पल जो कंपनी है उसका हमें डेटा चाहिए। इसको बाकी जो सब हैं इनको हम कर लेते हैं फिलहाल ब्लैंक, हम पास कर देते हैं। इस पूरे को हम रिमूव कर सकते हैं। चाहिए सबसे पहला जो है वो है क्वेश्चंस। ओके, अब हम इसको प्रिंट आउट कर लेते हैं इस डेटा को और देखते हैं कि हमारे पास डेटा आया है कि नहीं।
इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। आपके जो जैसा कि आप देख सकते हैं डेटा हमारे पास आ गया है और टोटल रिजल्ट्स कितने हमारे पास आए हैं, 30,000 आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं एप्पल कीवर्ड से। और ये हर पेज पे हमें बाय डिफॉल्ट 20 आर्टिकल आते हैं और मैक्सिमम हम 100 आर्टिकल पर पेज ले सकते हैं। ओके, अब हम इसमें एक स्पेसिफिक डोमेन पास करते हैं, लाइक कि हमें इस डोमेन का डेटा चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ से एक डोमेन कॉपी कर लेते हैं, ये डोमेन है। हमें पता है कि जो थर्ड पैरामीटर है वो डोमेन के लिए है, सो ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड, इस पे हम डोमेन पास कर देंगे। ये हमें इस डोमेन से डेटा चाहिए। सो जैसा कि आप देख सकते हो सोर्सेज में वो डोमेन आ गई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमें अब जो डेटा आ रहा है वो इस डोमेन से आ रहा है और जो टोटल रिजल्ट्स कितने हैं 151 इस ब्लॉग पे एप्पल के आर्टिकल्स पड़े हुए हैं एप्पल कीवर्ड्स के रिलेटेड। सो इसमें हम थोड़े और पैरामीटर्स पास करते हैं, इसमें हम फ्रॉम टू, हम इसमें डेट भी पास कर सकते हैं लाइक दिस। सो इसमें हम डेट पास करते हैं, छोड़ देंगे। अब इसमें हम जो फ्रॉम वाली डेट है वो पेस्ट करते हैं, यहाँ से हम एग्जांपल के थ्रू यही कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। और जो नेक्स्ट है वो हम इसको पेस्ट करते हैं, चेक जी फ्रॉम और टू, टू में हम ये पास कर लेते हैं। चेंज कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि इस टाइमलाइन के बिटवीन कोई डेटा पड़ा हुआ है कि नहीं। ये कह रहे हैं कि इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इनके पास कोई डेटा नहीं है। तो आप एग्जांपल के लिए इसे ले सकते हैं। सो आप इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। सो आप ये डेटा अपने डेटाबेस में सेव कर सकते हैं और सेव करके डेली बेसिस पे आप ये नया डेटा सेव करते रहें अपने डेटाबेस में और अपने ब्लॉग में इस डेटा को शेयर करते रहें, तो आपको कंटेंट राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स इट आज की वीडियो के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी।